जोईवाला स्थित सरकारी शुगर मिल का पराई सत्र 22 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर शुगर मिल प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि शुगर मिल प्रशासन ने इस बार गन्ना पराई का लक्ष्य लगभग 30,000 क्विंटल रखा है और इसके साथ ही सभी गन्ना सेंटर को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। पराई सत्र को लेकर शुगर मिल के ईडी दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि पराई सत्र का उद्घाटन गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा करेंगे। शुगर मिल के ईडी दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि पिछले सत्र के मुकाबले किसानों को मिल के अंदर ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। इसके साथ ही सभी टोल काटों के ऑनलाइन होने की वजह से भी किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। २०२३-२४ का शुभारंभ 22 नवंबर को हम करने जा रहे हैं और इस बार ऐसी परिस्थितियां लग रही हैं कि हम 30 लाख क्विंटल के आसपास हमें गन्ना मिलेगा और हमारी समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और इस बार विगत वर्षों की अपेक्षा किसान भाइयों के लिए जो है अच्छी यहां पे सुविधाएं रहेंगी। इस बार किसानों के हित के लिए जो है हमने सारे सेंटर्स को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है, तो इस प्रकार जो विगत वर्षों में समस्याओं का को का जो इनको समाधान हमने कर दिया है और जो भी इनकी डिमांड्स थी, जैसे किसान भवन की है या फिर यहाँ पे कैंटीन की है, तो जो भी इनकी